हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रवि व्यापार व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो देखे जी, शाम का समय और आया है और अभी बजे है 5 और मेरा आ रहा मैक्रोनी खाने का मन, तो मुझे बनानी है मैक्रोनी। तो चलो जी चलते हैं किचन में। तो देखिए जी, मैंने ले लिया मैक्रोनी और इनको सबसे पहले उबाल देंगे। तो मैंने कुकर में रख लिया था पानी। और इनको उबलने रख दिया है मैंने। इसको ऐसे ढक दो क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की सी आंच में उबल जावे, इसमें सिटी लगाने की जरूरत नहीं रहती, तो इसलिए मैं ढकना ही ढक रही। और इधर सिंक में बच्चों ने पानी पी पी कर बर्तन इकट्ठे करते और थोड़ी कॉफी बनाई थी बच्चों के लिए थोड़ी सी, तो मैं इतना बर्तन साफ करूंगी। और इधर मैक्रोनी उबल जाएगी और इधर परी का चल रहा है मेकअप। मैक्रोनी बना रही मैं। मम्मी कॉफी है? कॉफी तो नहीं है, अभी पी तो थी उसे अभिराज, जब तक ऊपर थे अभिराज ने रविया ने पी थी और थोड़ी बनाई थी क्योंकि दूध भी थोड़ा था ना, इसीलिए कॉफी भी नहीं गया तुझे। चल दूध मंगाऊंगी मैं जब पिए। तो ये देखे जी, मैंने इधर बर्तन साफ करके लगा दिया यहाँ पर और इधर इतना ये भी उबल चुकी है मैक्रोनी। और इधर हमारे टेलर साहब सिलाई कर रहे हैं। तो अब जब मैं सबसे पहले प्याज और टमाटर काटूंगी। रखा प्याज, ओह माय गॉड, मैंने तो आइसक्रीम जमा रखी थी है, मेरे तो अब याद आई, लेकिन इसमें डंडी नहीं है, है? कल मैंने आइसक्रीम जमा रखी थी, देख आइसक्रीम जमा रखी मैंने, आ जा रहा देख। इसमें ना डंडी नहीं थी, मैं ना नहीं तो अगर डंडी होती ना यार ऐसे छतरी सी बन जाती। चम्मच से खाइए बेटा, दूध और मीठा बस। चम्मच से खाओ बेटा ना। और यहाँ पर दोनों बहनें बैठ गई है आइसक्रीम खाने। अभी रात सो रहा है, आधी सो रहा जाग रहा, आधी को भी बुला लेती। और यहाँ पर हो गई है ये वाली तनी तैयार। कहा बंदा दे आधी, आधी भी आधी को भी दो। ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा चम्मच से तोड़ कर खा ले, टूट नहीं रहा। चलो जैसे भी खाई जा खा। मैंने पहले ही जमा के देखी थी, अगर अच्छी लगी तो जमा देख लूंगी फिर। दूध अच्छी लग रही है ना, मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं डाल रखा ना, बस दूध और मिठाई ही तो है। चट्टो हो रही ना। तो देखी थी अब जब मम्मी जी काट ली है प्याज। तो देखिए जी, मैंने इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और इधर मैंने मैक्रोनी उबल की थी ना, तो इसमें रख दी थी, नहीं चढ़ जाए इसमें को छेद रहा है, इसमें नीचे दिख जाऊंगे बाद में। और अब जब मैं डाल दूंगी इसमें जीरा, तो इसका मतलब तेल अभी गर्म नहीं हुआ। तो देखिए जी, जीरा हमारा लाल हो चुका है और अब डाल दूंगी मैं प्याज। बंद कर। यहाँ पर हमारी प्याज लाल होने लग रही है और इतना मैं टमाटर में सभी मसाले मिला लू, नहीं मसाले बाद में डाल दूंगी, पहले टमाटर ही डाल दू इसमें। बस बहुत है इतनी, क्योंकि थोड़ी सी
ऐसी होनी चाहिए प्याज और टमाटर और हरी मिर्च में ना कटिंग कर ली थी मसाले, अब डाल लो सारे मसाले। सारे मसाले क्या तुम नमक देंगे, नमक डाल लूंगी हल्का सा, हल्का सा ही नमक ठीक है। और प्याज पिसा हुआ धनिया हल्की सी लालमी, सिरका भी है क्या पूछे अपनी मम्मी से, काला सिरका। यहाँ पर हमारे सभी मसाले बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और अब डाल लूंगी मैं इसमें मैकरोनी जो मैंने पहले उबाल कर रख ली थी। मतलब उबालने के बाद जब रखा है ना, बस मैं तो घर ही बना रहा है ना, मैंने तो कभी उबाल के खाया कहीं नहीं कुछ। तो ये देखे जी इसमें हरी हरी सॉस है, ये वाली है लाल सॉस, ये भी मिक्स कर दी इसमें ऊपर ही। नहीं क्या इसमें तो इसमें भी ऐसा दिखाओ कि मैं भी आऊंगा। तो ये देखिए जी मैकरोनी हमारी बनकर हो गई है रेडी और अब खाने वाले भी रेडी है। वो सिरका नहीं था पड़े वाला, नहीं तो वो गिर जाता ना तो ज्यादा अच्छा रंग आता। आपने क्या बनाया? तो यहाँ पर मैकरोनी खा रहे हैं आदि और इधर अभिराज, ये सब अलग अलग बैठे। परी पहुंच गई है अपने नाना जी के पास में क्योंकि उसको अपने नाना जी को भी खिलानी, और मैं तो मैकरोनी बना रही घर में, या मैडम जी बाहर चाट खरीद कर खा रही है। गली में चाट आ रही थी बिकने के लिए, अरे हेलो करने के लिए बैठा रखी मैंने। हेलो बोल। हाँ ये ऐसे करती है बस। और हाँ बेटा मुंह जल गया, अभी दे रही पानी बोलने के लिए। यार रोज बर्फ जमाती है वो ट्रांसफर कर देती है पड़ोसियों को, पड़ोसियों का भला भी होना चाहिए ना। हेलो बोल। हेलो। हाँ बेटा यहाँ पर चल रही है सबकी अलग अलग फरमाइश। और पानी रखा तो आपके सामने इसमें तो और भी मिर्ची लगेगी। और पानी पतस्से वाला आ गया था गली में, यहाँ पर खरीद गए पानी पतस्से। आज एकदम था सारे पकवान आज खाए जाएंगे, चाट पानी पतस्से और मैकरोनी। इसे कच्चे उन्हें करने दिया था सीन कर, मगर वहां तो सोना था फुर्सत नहीं वट तेरी यो क्या कर दिया इसने चोट मार दी इन्हें तो इसके आने में बेटा, और ले इसने तो अपना आप भी काट लिया। ओ जादूगर मान जा, ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई रे मेरा भी कर दे।
दूसरा दांत भी निकाल लेंगे फिर आपने कहा दांत निकल दांत का कच्चा नाद है वो निकाल लेंगे देख उसका गिलास मांग रहा था देख गिलास दे दिया महाजन ने दो दांत निकल गए रह गए तो बढ़िया क्या पता पिलास हिला के दे देती क्या कर रही है रविया निकाल लो